आज हम बताएंगे हम किस तरह वेब पेज बना सकते हैं। सबसे पहले हमें अपना नोटपैड खोलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे। हमने नोटपैड अपना खोल दिया है। याद रखें हम नोटपैड जब भी हम कोई भी वेब पेज देखें तो उसके लिए लैंग्वेज चाहिए होती है HTML। ये लैंग्वेज हमें याद होनी चाहिए। इस लैंग्वेज के जो है कुछ रूल्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है टैग्स। टैग्स हमेशा जब भी हम डॉक्यूमेंट स्टार्ट करें तो हमें टैग लिखना है HTML का और इसका क्लोज कर देना इससे। फिर नीचे आएंगे, फिर देते हैं टैग हेड का। ये छोटा सा टैग होता है, इसके अंदर सिर्फ आती है टाइटल। इस टाइटल में आप जो है ना इस डॉक्यूमेंट इस जो वेब पेज है इसको नाम दे दें। हमारा जैसे पहला टाइटल पहले लिखते हैं टाइटल, इसको बंद करें और नाम दे देते हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। इसको क्लोज करने का टैग है स्लैश टाइटल। नीचे आए तो इस टैग को भी क्लोज करते हैं हट के स्लैश है। अब नीचे आएंगे तो स्टार्ट हो जाएगी बॉडी, जहाँ जो हम यहाँ इस बॉडी पे लिखेंगे वही सारा कुछ जो है आपके वेब पेज पे शो होगा। मिसाल के तौर पे हम पहला प्रोग्राम कर रहे हैं तो इतना इजी लिखते हैं कि लोग आप लोगों को भी पता लगे। हम पहला लिखते हैं आई लव पाकिस्तान। ये लिख दिया तो हम आखिर में फुल स्टॉप और फिर नेक्स्ट लाइन पे बॉडी के टैग को क्लोज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं स्लैश और बॉडी, इसको भी क्लोज करते हैं। एंड में नीचे आके हम हमारा प्रोग्राम HTML का प्रोग्राम लिखा गया तो हम इसको डॉक्यूमेंट बन गया तो हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। देखें मैंने क्लोज इसको कर दिया, ये था हमारा टैग डॉक्यूमेंट। अब इसको सेव करना तो हम जाएंगे फाइल में सेव एज दबाएंगे, सेव एज फाइल का नेम लिखते हैं। जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाएं इसको ऑल फाइल में करना है। नाम देते हैं फर्स्ट डॉट HTML। ये HTML लिखना लाजमी क्योंकि ये इस फाइल की एक्सटेंशन बन जाती है जिसकी वजह से फिर ये जो है HTML डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता है। देखिए सेव हो गया, डेस्कटॉप पे सेव किया है। ये देखिए फर्स्ट HTML आ गया है, इसको ओपन करेंगे हम। ये देखिए ओपन हो गया है, देखिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आई लव पाकिस्तान। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आज की वीडियो आपको ड्रा करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे एरो बनाया था, एरो भी डॉट बनाया था, वो डॉट फुल स्टॉप भी है। यहाँ पे आई लव पाकिस्तान लिखा था वो भी है। ये था आज का हमारा डॉक्यूमेंट, आज का प्रोग्राम।